हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस स्टडी। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे एक्सोस्केलेटन क्या है, एंडोस्केलेटन क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र। उसके बाद हम समझेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, मतलब कि आंशिक कंकाल तंत्र के बीच या फिर अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर कितनी हड्डियां होंगी। और फिर समझेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, मतलब कि जो उपांगीय कंकाल तंत्र है उसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है। फिर उन हड्डियों को गिनेंगे किसके अंदर कितनी पाई जाती है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में इसके पार्ट फर्स्ट में जो 6 से 7 मिनट की है उसके अंदर हमने समझा था बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले टिश्यू क्या बोलते हैं, बोन से मसल्स को कनेक्ट करने वाले टिश्यू क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद बोन्स में कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट कहां पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता कहां पे होती है। फिर हमने उसके बाद कार्टिलेज को समझा था उसके अंदर। उसी के बाद नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इशू के चलते हुए वो वीडियो पूरा नहीं हो पाता, तो उसी के अगले पार्ट को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, स्केलेटन सिस्टम है कंकाल तंत्र। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इस पूरे पार्ट को हम इसके अंदर देखेंगे। जैसे कि हम यदि इतने पार्ट की बात करें, ये वाला पोर्शन है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। पहले इसके अंदर काउंट करेंगे कितनी हड्डियां होंगी, तो इसके अंदर कितनी होंगी 80, समझेंगे हम कौन कौन सी होंगी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अपेंडिकुलर। इसके अलावा ये वाला पोर्शन हाथ सारे इसी के अंदर आएंगे, पैर वाला पोर्शन इसी के अंदर आएगा, फिर ये वाला पोर्शन हमारा पेल्विक ग्रिंडल वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद ये हमारा शोल्डर ग्रिंडल इसी के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर कितनी होगी बची हुई, क्योंकि टोटल कितनी होती है हड्डी के अंदर, पहली वीडियो में हम बता चुके हैं कितनी 206, तो 80 यहां होगी, तो कितनी हुई 126 बोन किसके अंदर होंगी, अपेंडिकुलर पार्ट के अंदर, उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर, ठीक है। फिर उसे देखेंगे, उसके बाद ये सारी की सारी बोन जो जितनी दिखाई दे रही है इस वीडियो के एंड में सारी क्लियर हो जाएंगी, कौन सी कहां पे पाई जाती है। जैसे कि ह्यूमरस कहां पाई जाती है, उसके बाद स्कैपुला कहां पाई जाती है, टीबिया कहां पाई जाती है, फेबुला कहां पाई जाती है, वो सारी की सारी हड्डियां इस वीडियो के अंत में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 206 की 206 हड्डियां, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला पोर्शन हम वीडियो फर्स्ट के अंदर देख चुके हैं, फिर भी एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है, स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है, हमारी शरीर को जो शरीर के अंदर जो नाजुक अंग है उन्हें क्या प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका, यही चीज मसल्स को मूव करने में ये हेल्प करेगा। दूसरा, इससे यदि नेक्स्ट कुछ ऐसे वर्क है इसके, जो मान लिया हमें कोई चीज उठानी है, ये रखनी है, पुल करनी है, ड्रैग करनी है, वो वाला काम करेगा हमारा जो हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र है। और यदि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात करें तो ये वाला जो हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र है वो करेगा, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, या फिर मान लिया हमारा हार्ट हो गया, इन्हें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हो जाएगा हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, मतलब कि अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है, उसे समझेंगे हम। तो ये वाला पोर्शन हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं क्या क्या काम है हमारा कंकाल तंत्र के, जो वर्क है वो आ जाएंगे हमारे स्केलेटन सिस्टम में। पहला आ जाएगा शरीर के अंगों को, जो भी नाजुक अंग यहाँ पे पाए जाएंगे इसके अंदर, उन्हें क्या देना, प्रोटेक्शन देना। उसके बाद दूसरा रक्षा देख लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो मसल्स है, मसल्स किसके साथ, बोन्स के साथ कंबाइन होकर क्या करेंगे, एक तरीके से हमारी बॉडी को क्या करेंगे, गति प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी हमने देख लिया पिछली वीडियो के अंदर। फिर जो हमारे कोमल अंग है उनको सहारा देना, ये हम बता चुके पहले। फिर ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो बोन मैरो जो अस्थि मज्जा है उसके अंदर किसका निर्माण होगा, आरबीसी का, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल का, तो वो भी काम किसका है, कंकाल तंत्र का है, ठीक है, इसे हम देख चुके थे। अब इससे कंकाल तंत्र से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछी गई है वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे पहली बात करें तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बात करें कंकाल तंत्र हमारे शरीर के भीतरी अंगों को रक्षा प्रोवाइड करता है, ये हमने देख लिया। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों बोन्स का बना हुआ होता है, ये भी देख चुके हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है, ठीक है, फिर उन मांसपेशियों की संख्या कितनी होगी, ये होगी 656, मतलब 656 मांसपेशियां होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। फिर मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलते हैं, वो हम देख चुके हैं, मांसपेशी है। मतलब कि यदि बात करें हम बोन टू बोन तो लिगामेंट, और बोन टू मसल्स तो वो क्या हो जाएगा हमारा टेंडन, वो हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं, ठीक है। फिर बात करें स्केलेटन सिस्टम दो टाइप के होंगे, पहला टाइप क्या होगा, पहला आएगा हमारा एक्सोस्केलेटन सिस्टम, फिर एंडोस्केलेटन सिस्टम। एंडोस्केलेटन सिस्टम का मतलब हुआ आंतरिक कंकाल तंत्र, मतलब कि जब बॉडी के अंदर, जैसे हम हुए, हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर वाला पोर्शन त्वचा आ जाएगी, हमारा मांसपेशी आ जाएगी, उसके अंदर क्या है, कंकाल तंत्र है, तो हम क्या है, हमारे अंदर क्या कौन सा है, आंतरिक कंकाल तंत्र। लेकिन बात करें हम, मान लिया कॉकरोच हो गया, मान लिया कछुआ हो गया, या फिर बिच्छू हो गया, इनके अंदर क्या होता पाया जाएगा, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, तो इसे देखेंगे पहले। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा एक्सोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है, जो इनके अंदर पाया जाएगा। उसके बाद बात करें दूसरा एंडोस्केलेटन सिस्टम, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाएगा, इसे समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सोस्केलेटन सिस्टम, बाह्य कंकाल तंत्र, मतलब कि शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या बोलेंगे, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, जो कि जैसे कि मान लिया एक एग्जांपल लिया कछुआ, तो कछुए के ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, प्रोटेक्शन है, ये क्या है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम है, ठीक है। और शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल तंत्र को क्या बोलेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा एंडोस्केलेटन सिस्टम, जो कि हम
अब बॉडी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो पढ़ेंगे सारा सारा कंकाल तंत्र, वो क्या है? आंतरिक कंकाल तंत्र है, मतलब कि हमारा एंडोस्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जितने भी ये जीव दिखाए हुए हैं सारे के सारे क्या हैं, इनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाएगा। ठीक है, एक्सोस्केलेटन का बेस्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लिया ये हो गया, ठीक है, तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, या फिर ये सिप्स वगैरह देखे होंगे, ये भी जानवर है। ठीक है, जब इससे बाहर निकल जाएगा उसके बाद हम इसे सिप को यूज करते हैं। ठीक है, मान लिया ये है बिच्छू, ठीक है, यदि इसे भी पकड़ेंगे, मच्छर का मैं एग्जांपल लिया, यदि मच्छर हमने मारा तो कड़ा सा लगता है, मतलब कि टफ सा लगेगा। ठीक है, ऐसे ही ये टफ सा लगेगा, मतलब कि देख लिया इसके पास जाने के बाद इसे चेक नहीं करना है, पता चली तुम इसे चेक करने गई, तुम्हें चेक कर दिया, चेक करते ही बिना किसी टिकट के, बिना किसी मिस कॉल के तुम्हारी कॉल लग जाएगी, ऊपर से डायरेक्ट संपर्क चला जाएगा। इस वजह से कोशिश नहीं करनी है, मतलब भावनाओं में नहीं रहना है। फिर भी लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला पोर्शन, इसका बाहर का पोर्शन जो वो क्या लगेगा, थोड़ा टाइट टाइट का लगेगा, तो ये क्या है, ये भी एक्सोस्केलेटन सिस्टम लगता है। ठीक है, तो ये सारे जीव है, जैसे मान लिया कछुए का एग्जांपल लिया, इसके पास कोई खतरा इसे दिखाई, कोई खतरनाक चीज है, तो क्या करेगा, पूरा पूरा सिस्टम अपने हाथ पैरों के सारे क्या कर लेगा, अंदर कर लेगा बॉडी के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे इसकी प्रोटेक्शन होगी, सामने वाला जीव आकर दिखेगा भाई ये तो पत्थर है, ठीक है, चेक करके चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि ये वाला पूरा पोर्शन, इसका जो मसल्स वाला पोर्शन है, वो उसने अपने अंदर बॉडी के अंदर कर दिया, जैसे पत्थर लगी उसे कि भाई खतरा टल गया, तुरंत क्या करेगा, जैसा जैसा हाँ वैसे ही फैला देगा काम को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, एंडोस्केलेटन सिस्टम की बात करें तो ये सब जितने भी जीव है, शेर, चीता, भालू, गैंडा, गाय, भैंस, बकरी, या फिर हमारा इंसान, तो ये सब क्या है, ये सब है एंडोस्केलेटन सिस्टम के अंदर आएंगे। तो ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या यदि न्यूली बॉर्न बेबी है उसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, 300+, लेकिन यदि बात करें वो थोड़ा चाइल्ड हो गया, ठीक है, बच्चा आ गया, बालक के फॉर्म में आ गया, तो उसके टाइम पर 208 हड्डियां हो जाएंगी, लेकिन बाद में मर्ज होने के बाद, बिल्कुल कंबाइन होने के बाद एडल्ट के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है, 206 हड्डियों के इस वीडियो के अंदर हम गिनेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया एक्सोस्केलेटन सिस्टम क्या है, एंडोस्केलेटन, ये सारे जीव जितने भी है, ठीक है, पांडा हो गया, गैंडा हो गया, जेब्रा हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, ये चिंपैंजी हो गया, ठीक है, लायन हो गया, कुत्ता हो गया, या इंसान हो गया, इन सब के अंदर कौन सा स्केलेटन पाया जाएगा, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं कुछ बोन से रिलेटेड कुछ चीजें, वैसे दूसरी जो पिछली वीडियोस में हो चुकी है कवर, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कुछ रिवीजन ले लेते हैं। यह है एक प्रकार का संयोजकता है, जैसा कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, हमारा ब्लड होगा, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, बोन्स क्या है, ये क्या करेंगे, हमारी पूरी पूरी जो बॉडी है, सारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, उन्हें क्या देंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आरबीसी का निर्माण मैं बता चुका किसमें होगा, हमारा अस्थि मज्जा, मतलब कि बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अब यदि बात करें ये वाला पोर्शन बोन के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस, वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो कैल्शियम दो चीज होंगी, कैल्शियम कार्बोनेट बोन्स के अंदर पाया जाएगा, और कैल्शियम फास्फोरस किसके अंदर पाया जाएगा, हमारा जो इससे छोटी है, मतलब कि एक तरीके से जो कार्टिलेज वाला पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, मतलब कि उपास्थि के अंदर, तो कैल्शियम फास्फोरस की अधिकता होती है किसके अंदर, बोन्स के अंदर, ये हम पहले भी जान चुके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अब देखो ये कार्टिलेज वाला पोर्शन, उपास्थि वाला पोर्शन हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं खा पाते हो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है ये वाला पोर्शन, इसकी पिक्चर नहीं पाई थी पिछली वीडियो में, तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें, मच्छरदानी टाइप की, इसी बताया था मैंने क्या पिछली वीडियो में, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये तो बोन है, ठीक है, किसकी बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, इसके अंदर जो मच्छरदानी टाइप की स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलेंगे, यही वाला पोर्शन है हमारे, जो अंदर जहां पे हमारा ब्लड पाया जाएगा, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, तो वो इसमें ज्यादा क्लियर है, ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा ये कार्टिलेज। ठीक है, मतलब कि होगी ये थोड़ा सॉफ्ट टाइप की बोन है। ठीक है, और ये जो हड्डी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता है, तो ये क्या होगी, ये थोड़ा टफ होगी, हार्ड होगी, ये थोड़ी सॉफ्ट होगी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम फास्फेट होगा। ठीक है, तो ये देखना था हमें। ठीक है, क्योंकि ये कुछ चीजें प्रीवियस में कवर हो चुकी है, इसके बाद आते हैं हम बॉडी का 20% भाग, ये भी सारा उस वीडियो में कवर हो चुका है, मतलब कि पूरी वीडियो का जो सार है वो क्या है, एक तरीके से वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसी की। ठीक है, 9 मिनट की, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो वही चीज इसके अंदर हो रही है, वो हमने पार्ट वन कर दिया, ये पार्ट सेकंड है, इसके अंदर पूरा स्केलेटन सिस्टम कवर हो जाएगा, सारी बोन्स गिन देंगे हम 206 की 206। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, तो बॉडी के अंदर जो 20% पार्ट है वो किसका है, वो है स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये बता चुके हैं एडल्ट क्या होगा, एडल्ट के अंदर 206 पाए जाएंगे, और न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर 300+ पाए जाएंगे, चाइल्ड के अंदर 208, वो मर्ज समय के साथ मर्ज हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो जिसके बारे में हमें इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। पहला हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, यदि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बात करें, मतलब कि अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर कितनी बोन्स होंगी, हमारी 80 बोन्स। ठीक है, और यदि बात करें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, मतलब उपांगीय कंकाल तंत्र,
उपांगीय कंकाल तंत्र। तो उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर कितनी है हमारी 126, मतलब कि टोटल यदि सम कर दिया जाए कितना हो जाएगा हमारा दोनों का सम, ये हो जाएगा 126। इतनी बोन पाई जाएंगी, इन्हें हम गिनेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो पहले जानते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर बॉडी के कौन कौन से पार्ट आएंगे। तो पहले नंबर पे देखें तो हम पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, ये क्या है हमारा सर, इसके अंदर कितनी हड्डियां होंगी, 29। ठीक है, फिर उसके बाद कान वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर कितने, तीन इधर छह हड्डियां पाई जाएंगी, वो देखेंगे अभी। ठीक है, फिर हमारा ये वाला पोर्शन, वर्टिकल कॉलम बोल दो या रीढ़ की हड्डी बोल दो या मेरुदंड बोल दो। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा ये रिब केज, ये पूरा पोर्शन। तो ये आएगा हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अब यदि बात करें खाली स्कल, स्कल भी नहीं है, ये होगा क्रेनियम। तो क्रेनियम के अंदर बात करें कितनी हड्डियां होंगी, तो वो होंगी हमारी 8, ये वाला पार्ट, ये क्रेनियल वाले पार्ट के अंदर कितनी होंगी, 8। ठीक है, फिर इसकी बात करें तो इसके अंदर एक तो ये हो गई, बताएंगे अभी आगे कौन कौन सी होंगी। ठीक है, तो एक ये होगी और 12 क्या होंगी, ये भी होंगी। ठीक है, तो 24 25 पाई जाएंगी इसके अंदर। वर्टिकल कॉलम के अंदर यदि बात करें एडल्ट के अंदर तो 26, यदि चाइल्ड के अंदर बात करें तो 33 होंगी। ठीक है, कैसे होंगी वो देखो, पहले स्टार्टिंग करते हैं इसका खोपड़ी से, खोपड़ी वाला पार्ट। तो उसमें सबसे पहले फेस गिनते हैं, तो फेस वाला ये जो पूरा, ये इसे बोलेंगे क्रेनियम। कितनी हड्डियां हुई, क्रेनियम बोन्स। ठीक है, तो कितनी है क्रेनियम बोन्स, 8। ठीक है, वो 8 कौन कौन सी है, वैसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना डेप्थ जाना, जो पूरा पोर्शन जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो इतने डेप्थ में कुछ ये पूछा जाएगा कि खोपड़ी के अंदर कितनी होगी, कपाल के अंदर क्या होगी, फेस के अंदर कितनी हड्डियां होंगी। ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो हाथ पैर की गिनाएंगे हम, वो पूरा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक तरीके से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन डेप्थ जाके। ठीक है, तो क्या आएगा पहला, यदि फेस की बात करें तो क्या आ जाएगी, पहला आ जाएगी फ्रंटल, जो कि क्या होगी, एक ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है हमारे, ये है फ्रंटल बोन। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें तो ये क्या आएगी, ये आ जाएगी हमारी पेरिएटल बोन। कितनी होंगी, 2 होंगी, फ्लैट टाइप की बोन है ये। ठीक है, तो ये वाली फेस, ये वाली बोन क्या होगी, ये हो जाएगी टेम्पोरल। ठीक है, फिर ऑसिपिटल 1 होगी। ठीक है, फिर ये हो जाएगी हमारी एथमॉइड, फिर स्पेनॉइड। तो ये टोटल कितनी हुई, 2 2 4 5 6 7 8, मतलब हमें सीधा सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है, क्रेनियल वाला पार्ट है, इसके अंदर कितनी बोन्स होंगी, 8 बोन होंगी। फिर बात करते हैं हम, ये है हमारा फेस वाला पार्ट, तो फेस के अंदर कितनी बोन होंगी, 14 बोन। तो वो 14 बोन यहां मेंशन है। यदि बात करें ये वाला पोर्शन, तो ये वाली सबसे बड़ी फेशियल, लार्जेस्ट फेशियल बोन है, क्या बोलेंगे इसे, मैंडिबल। तो ये क्या होगी, ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ये क्या है, ये है हमारी मैंडिबल, सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, तो ये मैंडिबल, ये हमारी जो मूव करेगी, बाकी पूरा पोर्शन फेस का सारा क्या है, सारा स्टेशनरी है। ठीक है, यही मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें ये वाला पोर्शन, ये तो ये क्या है, 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं इसके। तो ठीक है, यदि ये दोनों मर्ज कर दिए तो सबसे बड़ी बोन यही होगी, लेकिन ये क्योंकि अलग अलग 2 पार्ट है तो ये क्या होगी, इसका नाम है मैक्सिला। तो 2 बोन हमारी ये हो गई, ये वाला पोर्शन, तो ये क्या है, मैक्सिला। उसके बाद बात करें नाक की, तो नाक की ये वाली जो सीधी बोन है इसे बोलेंगे मोमर, ये भी 1 होगी। ठीक है, ये पीछे वाला पोर्शन ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसे बोलेंगे जाइगोमैटिक बोन, ये भी 1 इधर 1 इधर 2 हो जाएंगे। उसके बाद ये नाक के पास ये वाला पार्ट, ये ठीक है, ये जो बोन है नाक की बोन है। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, इसे बोलेंगे पैलेटीन, 1 इधर 1 इधर 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें ये वाला पोर्शन, ये क्रैनियल, ये वाली, तो ये वाली हड्डी क्या है, ये हो जाएगी हमारी लैक्रिमल। तो लैक्रिमल वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, लैक्रिमल आ जाएंगे हमारी 2। फिर नाक के ऊपर ये जो 2 हड्डियां, ये वाली, इन्हें क्या बोल देंगे, ये है नसल। ठीक है, फिर ये बचा हमारा नाक के पास, ये किसकी बनी हुई है, सारी की सारी बोन्स, कान वाली भी और ये वाली भी, ये सब कार्टिलेज की बनी हुई है, मतलब कि एक तरीके से उपास्थि की बनी हुई है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा हमारा, ये एक ये दिखाई दे रहा है यहां पे, ये जो 2 हड्डियां हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये जो हड्डियां हैं दोनों, तो ये दोनों हड्डियों क्या बोलेंगे, ये हो जाएंगे इन्फीरियर नसल कॉन्चा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये इन्फीरियर नसल बोन ही है। ठीक है, तो वो आ जाएंगे, अपने गिन ली सारी, वोमर 1, ठीक है, फिर जायोमेटिक 2, फिर पैलेटीन 2, तो कितनी हुई, 5 यहां पर होगी। उसके बाद इन्फीरियर 2, ठीक है, इन्फीरियर नसल कितनी होगी, 2, 7, मैक्सिला 2, 9, मैंडिबल 1, 10, और उसके बाद नसल कितनी होगी, 2, 12, और लैक्रिमल 2, 12 2 14। तो टोटल कितनी हड्डियां फेस के अंदर, 14 हड्डियां। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये होल डाइ, ये नीचे आगे हमारा कनेक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोरमेन मैग्नम। ठीक है, इसे आगे देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम खोपड़ी, तो खोपड़ी ये गलत है, हम खोपड़ी
नहीं आएगा, यहाँ आएगा ये वाला पोर्शन, आठ नहीं होंगी। खोपड़ी के अंदर क्या होंगी, खोपड़ी के अंदर बस कान वाला पोर्शन हटा दो, हाई ओड हटा दो, उसके बाद सारी कवर हो जाएंगी, तो खोपड़ी के अंदर आएंगे 22। ठीक है, कौन कौन सी, ये 14 और 6, ये आएगी हमारी खोपड़ी के अंदर। ठीक है, 14 6 नहीं, ये 14 और 8, ये होंगी 22। ठीक है, तो ये दोनों 8, ठीक है, तो ये बात करें ये वाली 8 और ये 14, 14 8 कितना हुआ 22, तो ये आएंगे इसके अंदर। जो कान का कान वाला पोर्शन है ये हमारा खोपड़ी के अंदर काउंट नहीं होगा, ये हायोड बोन नहीं काउंट होगी। इसका मतलब ये जो स्कल जहां खोपड़ी लिखा हुआ, ये जो एड बोन है ये है क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन। ठीक है, ये 8 होंगी, मतलब कि एक तरीके से ये जो पूरा पोर्शन है कपाल वाला जो पार्ट है उस कपाल के अंदर होंगी 8 चेहरे, फेसियल बोन होंगी 14, फिर ईयर बोन 3 इधर 3 इधर, तो कितनी होंगी 6। ठीक है, टोटल कितनी होगी 28, फिर एक बोन और होगी हायोड बोन। ठीक है, तो उसे मिला के कितनी हो जाएंगे हमारी 29, ये होंगी सर के अंदर, हेड के अंदर टोटल 29 पाई जाएंगी। ठीक है, ये फेस वाला पोर्शन हम गिन चुके, और फेस वाला भी और टोटल वाला पोर्शन भी, तो टोटल यदि हाँ हायोड वाली मिला लिया तो 29 होंगी। ठीक है, अब देखो जैसा कि लिखा हुआ था, मैंडिबल इज द लार्जेस्ट बोन इन टू द ह्यूमन स्कल, तो खोपड़ी फेस की सबसे लार्जेस्ट बोन क्या होगी, वो मैंडिबल होगी और मूवेबल होगी। ठीक है, फिर देखते हैं महारंध्र, जो अभी देखा था हमने पीछे फॉर्म है, जो होल है छोटा सा छिद्र है उसे, तो मतलब कि खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते, किससे कनेक्ट करेंगे, जिससे पूरा पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का पास है वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड उसी के पास होती है, उसे महारंध्र बोलेंगे, या फिर महारंध्र बोल दो या फिर क्या बोल देंगे हम फॉर्म है मैग्नस। ठीक है, तो वो कनेक्टेड होगा। यदि बात करें हमारे भार की, जो भार होगा ह्यूमन ब्रेन का, तो वो क्या होगा 1.6 से लेके 1.40 केजी तक होगा। ठीक है, उसके बाद दांतों की बीमारियां और संरचनाओं के अध्ययन क्या बोल देंगे, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया हमारा, क्योंकि हम किस किस की गिन चुके, हम गिन चुके क्या होगा, पहला ऊपर वाला कपाल वाला पोर्शन गिन चुके कितनी होगी 8, उसके बाद फेस की गिन चुके कितनी 14, उसके बाद एक हायोड हो गई और तीन इधर क्या होंगे कान की, जो कि हम देखेंगे अभी कौन कौन सी है, नाम क्या है उनके, तो लेकिन टोटल कितनी होंगे, ये ऊपर वाले पोर्शन सर में कितनी होगी 29, तो उसमें जो हाई रोड है ये वाला पोर्शन, जब हम सांसी मांगे सुसाइड वगैरह कर लेता है कोई, कोई भी करेक्ट टाइम जो होगा, तो वो क्या होगा, यदि उसने फांसी लगा दी तो उसके बाद उसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो किस बोन में पड़ेगा, ये जो हाई रोड बोन है। ठीक है, उल्टे यू मतलब कि रिवर्स, उल्टे यू के आकार की होगी। ठीक है, ये वाला पोर्शन मतलब यू के आकार की शेप होगी इसकी, ये क्या है हमारी हाई रोड बोन बोल दो, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसे ही बोलेंगे हम थ्रोट बोन, थ्रोट बोन। ठीक है, ये आ जाएगी, तो हाई रोड बोन देख ली कहां पर होगी इसकी स्थिति। उसके बाद करते हैं हम कान की बात। ठीक है, तो कान में क्या हो गया, दो पोर्शन होगी कान के अंदर, पहला ये क्या हो, क्या क्या हो गया, पहला पार्ट बात करें तो ये है एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, यदि दूसरे की बात करें तो ये इंटीरियर या मिडिल पार्ट बोल दो, तीन पार्ट कर लेते हैं, ये मिडिल है और ये है हमारा इंटीरियर पार्ट, ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर पार्ट, मतलब कौन सा वाला, पिन्ना वाला, क्या बोलते हैं इसे, पिन्ना। ठीक है, तो जो बोन होंगी तीनों की तीनों, वो किस पार्ट में आ रही है, इंटरमीडिएट पार्ट, मतलब कि मिडिल पार्ट के अंदर आ रही है कान के। ठीक है, वो कौन कौन सी होंगी, एनमिल के आकार की या डिफरेंट डिफरेंट आकार की, तो उसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारी मिस, तब पहले एम से रिलेट करेंगे हम, क्या आ जाएगा मैलियस, फिर आई से इनकस, और फिर दूसरा क्या आ जाएगा स्टेपी, जो कि स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की, स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, और यदि बात करें हम मैलियस की, तो मैलियस है हमारी वीकेस्ट बोन, वीकेस्ट बोन। ठीक है, तो ये याद कर लिया हमने कौन कौन सी, इनकस हो गई, मैलियस हो गई, स्टेपीज हो गई, तीन बोन होगी, तीन इधर होगी, तीन इधर होगी, कितनी होगी 6 बोन होगी हमारे ईयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम वर्टिकल कॉलम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो अक्षीय कंकाल तंत्र है उसके अंदर हमने क्या क्या देखा, पहला पूरा पूरा सिर आ जाएगा, सिर के अंदर 29 आ जाएगी, फिर उसके बाद देखा हमने क्या, जो हमारा खोपड़ी से नीचे वाला पोर्शन वर्टिकल कॉलम, मतलब कि इसे मैं हिंदी में या तो मेरुदंड बोल दो या फिर रीढ़ की हड्डी बोल दो, ब्लैक बैकबोन। ठीक है, सब इसी के अंदर आएगा। अब देखते हैं इसके अंदर कितनी बोन होगी। ठीक है, तो टोटल क्या बात करें, यदि हम चाइल्ड के अंदर, बच्चे के अंदर, न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर कितनी होंगी, यही 33 होंगी, लेकिन यही सेम बात करें एडल्ट के अंदर तो 26 होगी। अब कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं। पहले सबसे पहले इसे जो ये वाला पोर्शन है, ये ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, तो ये होगा C1 से लेके C7 तक, मतलब कि 7 बोन होंगी जिन्हें क्या बोलेंगे हम, या तो बोल दो
जो पहला पोर्शन है क्रेविकल स्पाइन बोलते हैं, क्रेविकल वर्टिब्रेट, तो सात, एक से लेकर सात तक की जो हड्डियां होंगी ये हो गई, ये वाला पोर्शन जो दिखाई दिया हमारा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले को बोलेंगे थोरेसिक वर्टिब्रेट या थोरेसिक स्पाइन, ठीक है। वो क्या होंगी, वो होंगी TH1 से लेके TH12 तक, तो 12 ये हो गई। उसके बाद नीचे बात करें तो लुमिनल R1 से लेके L1 से लेके L5, तो ये क्या है, लुमिनल वर्टिब्रेट या लुमिनल स्पाइन, ठीक है। तो ये देख लिया हमने पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है। उसके बाद बात करें नीचे आएगा पहली ये वाली बोन जो है, ये है हमारी सैक्रम, और सबसे नीचे वाली जो बोन है ये है कॉकिक्स। तो यदि बात करें इसकी तो ये जब एडल्ट इंसान है उसके अंदर तो ये एक एक पाई नहीं है, लेकिन यदि बात करें हम बच्चे के न्यूलीबॉर्न बेबी के अंदर तो क्या होंगी, ये पांच होंगी, वो पांच कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएंगे, एडल्ट में एक हो जाएंगे। तो सैक्रम कितनी पाई जाएंगी, पांच, और कॉकरेक्स की बात करें तो ये भी क्या हो जाएंगी, ये पाई जाएंगी चार। तो फोर कितने में कन्वर्ट हो रही है, यहां पे पांच कन्वर्ट हो गई एडल्ट में एक में, और यहां चार कन्वर्ट हो गई एडल्ट में एक में। इसका मतलब कितने का डिफरेंस है, यहां प्लस फोर हुआ, यहां प्लस थ्री हुआ, तो चार और तीन सात, इसका मतलब 26 में सात जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी हमारा 33, मतलब कि 26 एडल्ट के अंदर पाए जाएंगे, 33 न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो वो देख लिया हमने, कह कौन सी सर्विकल सात होंगी, थोरेसिक 12 होंगी, लुमिनल 5 होंगी, और सेक्रम यदि बात करें हम एडल्ट की तो उसमें एक होगी। यदि बाद में फ्यूज होने, आपस में फ्यूज मर्ज हो जाने के बाद जैसे जैसे हमारी एज डेवलप होगी उसके साथ साथ क्या होंगे, कुछ हड्डियां हमारी मर्ज होने स्टार्ट हो जाएंगी, फ्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले क्या थी, बच्चे के अंदर पांच थी, उसके बाद फ्यूज होने के बाद कितनी होगी एडल्ट में एक, ऐसी कॉकिक्स भी क्या थी चार थी, फ्यूज होने के बाद कितनी होगी एक। तो 26 पाई जाएंगे हमारी क्या, वर्टिकल कॉलम बैकबोन या फिर हमारा क्या बोलते थे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर कितनी पाई जाएगी 26, या क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं एडल्ट की, तो 26 होगी इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम थोरेसिक केस बोल दो या रिब केस बोल दो, तो रिब केस के अंदर क्या होगा, टोटल हड्डियों की बात करें रिब केस के अंदर तो ये होंगी 25, कैसे कैसे होंगे वो देखते हैं। पहले बात करें ये वाला क्वेश्चन, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो ये जो सात है यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या है, ये सात है ट्रू बॉन्ड, क्योंकि ये अलग 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 क्या हुई है, मर्ज हुई हुई है, अलग ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो यहां तक सेवन तक की है ये है रियल बॉन्ड, रियल या फिर ट्रू बॉन्ड, वो भी ट्रू बॉन्ड किसकी, रिब, टू रिब्स, ठीक है। उसके बाद यदि नीचे हम तीन देखा दे, जैसे कि हम देख सकते हैं इसके अंदर, तो क्या होगा एक दो तीन, ये अलग अलग सीन है लेकिन मर्ज कहां हो रही है, एक पे जाके मर्ज हो रही है, तो इन्हें बोलेंगे फाल्स रिब, फाल्स रिब, ठीक है। और उसके बाद दो और नीचे दिखाई दे रही है, उन दोनों के साथ क्या है, ये दो क्या है, ये अलग ही है, ठीक है। इनमें क्या होगा, ये थोड़े बहुत एक्सपेंड कर जाएंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोल देंगे हम एक्सपेंडेबल या फिर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बोन। तो टोटल कितनी हुई, बात करें सात तो हुई हमारी टू रिब्स, रियल रिब्स, उसके बाद थ्री हुई हमारी फाल्स या सूडो रिब, उसके बाद दो हुई हमारी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जैसे ये फ्लेक्सिबल रिब्स 300-350 हो जाती है सांप के अंदर, क्योंकि क्या होगा उसके अंदर, वो यदि कितना भी बड़ा जीव खा लेगा तो क्या होगा, यदि ये फिक्स होंगी तो वो अंदर ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती तो क्या होगा, यदि इंसान को भी निकल जाएगा कोई बड़ा एनाकोंडा टाइप है, पूरे इंसान को निकल जाएगा तो वो क्या होगा, इस तरीके से पूरा एक्सपेंड एक्सपेंड एक्सपेंड, मतलब कि एक्सपेंडेबल होगी, किसका मतलब क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी, तो कितनी भी बड़ी चीज भी आ जाएगी छोटी छोटी की जाएगी, लेकिन इंसान के ऊपर क्या होगा, इंसान के ऊपर की 10 जो रिब्स है वो तो फिक्स है एकदम, ठीक है, नीचे की दो ही एक्सपेंड हो पाती है, ठीक है। तो मतलब इस वजह से क्या है, वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, लेकिन सांप के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये वाली जो रिब्स होंगी फ्लेक्सिबल वो सब ज्यादा होंगी। तो बात करें हम टू रिब्स की, तो रिब्स कितनी आई हमारी, टू रिब्स हो गई हमारी 7, जो क्या होंगी, फिक्स होंगी, ठीक है, और अलग अलग कनेक्ट होंगी किससे, स्टेनम से, जो ये बोन है हमारी, ये वाली एक बोन है इसके साथ कनेक्ट होंगी स्टेनम से, ठीक है। तो क्या होंगी, ये होंगी टू रिब्स, फाल्स रिब्स की बात करें तो देख लिया हमने तीन रिब्स होंगी, फ्लोटिंग रिब्स बोल दो या फिर फ्लेक्सिबल रिब्स बोल दो, तो ये क्या होंगी, ये हमारी दो होंगी, तो टोटल कितने होंगे 12। फिर ये किससे कनेक्ट है, स्टेनम, तो स्टेनम वाला पार्ट क्या है, स्टेनम वाला पार्ट ये है, ठीक है। यदि सबसे ज्यादा बोन्स की बात करते वो किसके अंदर होंगी, वो होंगी हमारी जो हमारा थोरेसिक केज है, ठीक है, इसके अंदर कितनी 25 22 मल्टीप्लाई बाय 2 24 प्लस 1, तो कितना 25 मैक्सिमम यहीं पर पाई जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देख लिया ये, तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या कर लिया, पहले इसके अंदर कितने काउंट करी, ये हो गया थोरेसिक केस के अंदर 25, ठीक है। फिर उसके बाद हमने खोपड़ी के अंदर कितनी देखी टोटल, मतलब कि जो हमारा सर है उसके अंदर कितनी देखी, वो हो गई हमारी सर की बात करें तो 29। फिर उसके बाद बात करें हम जो वर्टिकल कॉलम में कितनी थी हमारी 26, तो 9 से 20, इसका मतलब टोटल कितनी हो गई हमारी, ये हो गई 81, ठीक है। तो ये हमने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम देख लिया पूरा, ठीक है, कितनी हो गई 80, रिवाइज करेंगे लास्ट में वीडियो के, तब पता चल जाएगा बाकी का। अब आते हैं हम यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या होगा टोटल, यदि बात करें तो ये हम क्योंकि ऊपर का पोर्शन तो हम देख चुके कैसे हमारा कितना हुआ 25 हुआ, उसके बाद ये जो बोन है ये इसे बोलेंगे ब्यूटी बोन या फिर क्लेविकल बोन, ठीक है। तो क्लेविकल बोन या फिर ब्यूटी बोन ये कितनी होंगी, एक इधर कितनी होगी हमारी, दो होगी, ठीक है। कि किसके अंदर आएंगी, ये वाला पोर्शन आएगा हमारा शोल्डर गिर्डर के अंदर, फिर ये वाली पीछे की तरफ, ये वाली पीछे की तरफ जो बोन है तो ये क्या होगी स्कैपुला, तो ये भी कितनी होंगी दो, चार हो गई, ये चारों की चारों किसके अंदर काउंट करी जाएंगे हमारे, ये हो गया हमारा चार, हमने चार काउंट कर चुकी कौन कौन सी, स्कैपुला दो और ये जो पेल्विक थी क्लेविक क्लेविकल मतलब कि ब्यूटी बोन वो दो, तो कितनी हो गई हमारी चार हो गई। चार के बाद जो दूसरा बच्चा जो हम छह अलग गिनना चाह रहे हैं उसमें ये वाला पोर्शन आएगा, दो इसके अंदर होंगी, दो ये होंगी, तो कितनी होंगी छह, छह हमने अलग गिन लिया वो आगे देखेंगे भी। तो यदि बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम तो उसके अंदर क्या क्या जाएंगे, पहले तो ये वाला पोर्शन आएगा, इसे बोले हम शोल्डर गिर्डर, जैसे कि हमने चार अभी बोन गिनी है, ये हो जाएगी पेल्विक गिर्डर, ठीक है। पेल्विक गिर्डर के अंदर दो होंगी पेल्विक बोन्स, ठीक है, इसके अंदर चार होंगी, एक क्लेविकल हो जाएगी एक स्कैपुला हो जाएगी, तो दो दो चार और दो छह, तो छह हो जाएगी हमारी किसके अंदर, गिर्डर के अंदर, लेकिन वो हम देखेंगे आगे कौन कौन सी है, ठीक है आगे देखते हैं। अब आगे ये तो ये जैसा कि हमने देखा ये है ब्यूटी बोन क्लेविकल, एक इधर ठीक है, तो ये कितनी हो गई, एक ये दो ये हो गई, फिर उसके बाद ये पीछे की तरफ है ये है स्कैपुला, तो एक इधर है और एक इधर, ठीक है, तो दो ये दो ये हो गई और दो ये, तो ये क्या कवर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा जो पेक्टोरल ग्रिंडल है, पेक्टोरल ग्रिंडल या फिर इसी का दूसरा नाम होगा शोल्डर ग्रिंडल, शोल्डर ग्रिंडल, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी होगी, चार हो गए, ठीक है। उसके बाद बात करें अगली, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पेल्विक ग्रिंडल, ठीक है। तो एक बोन इधर एक बोन इधर, तो कितनी हुई टोटल, दो इसके अंदर आ गई, इसे बोलेंगे पेल्विक ग्रिंडल, पेल्विक गिर्डर, इसके अंदर दो पाई जाएगी, ठीक है। यदि बात करें ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है इसे पेल्विक ग्रिम बोलेंगे, पेल्विक ग्रिम, ठीक है। तो ये किसके अंदर पाया जाएगा, ये महिलाओं के अंदर ज्यादा होगा और जो पुरुष है उनके अंदर कम पाया जाएगा पेल्विक ग्रिम, लेकिन बोन्स कितनी हुई इसके अंदर, दो हुई, इधर क्या बोल देंगे इन्हें, दूसरा नाम क्या बोल देंगे, हिप बोन बोल दो या फिर पेल्विक बोन बोल दो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो कितनी हो गई हमने चार वहां देख ली, ठीक है, दो यहां देख ली, तो टोटल यदि बात करें हम अपेंडिकुलर सिस्टम में कितनी देख चुके हम, दो ये और चार पीछे, तो दो और चार कितनी हो गई छह, तो छह काउंट कर चुके हैं हम इसके अंदर। अब आते हैं ये देख चुके हैं, ठीक है, ये ग्रिम है, तो ये मेल्स के अंदर क्या होगा, छोटा होगा, फीमेल्स के अंदर बड़ा होगा, ठीक है, ये देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, मतलब कि अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर क्या आएंगे, पहले छह बोन आएंगे, पहले ये आ जाएगी क्लेविकल मतलब ब्यूटी बोन आ जाएगी, उसके बाद स्कैपुला, फिर उसके बाद पेल्विक, इसके अलावा हाथ और पैर, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, हैंड से शुरू कर रहे हैं, हैंड से लेकर लेग तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आया हमारा अपर गेंडर, अपर गेंडर के अंदर क्या क्या जाएगा, अपर गेंडर के अंदर आ जाएंगे 30 इस हाथ की 30 इस काफ की, तो 60 आ जाएंगे, इन्हें बोलेंगे अपर अपर लिम्ब, और नीचे वाला क्या आ जाएगा लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब की बात करें तो हाथ वाला पूरा पोर्शन, लोअर लिम्ब की बात करें तो पैर वाला पूरा पोर्शन, अपर लिम्ब की बात करें तो इसके अंदर कितनी होंगी 60 होंगी, वो कैसे होंगी वो देखते हैं अभी, ठीक है। जैसे बात करें हाथ की तो पहले ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इससे पहले भी हम देखते हैं सबसे बड़ी हड्डी ये, तो ये क्या है हाथ की सबसे बड़ी हड्डी है ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसे ह्यूमरस, ठीक है। तो ये हो गई ह्यूमरस, एक इधर होगी एक इधर होगी, दो हो गई क्लियर। उसके बाद देखते हैं जो हाथ वाला पोर्शन है ये बड़ी वाली हड्डी हो गई ह्यूमरस, उसके बाद एक अंगूठे की तरफ जा रही होगी, दो हड्डियां यहां पे, ठीक है। तो एक अंगूठे की तरफ और एक उंगली की तरफ, उंगलियों की तरफ जा रही होगी, तो अंगूठे की तरफ जो जा रही है वो वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा, ये जा रही है अंगूठे की तरफ, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो ये अंगूठा है इधर, तो अंगूठे की तरफ जा रही है उसे बोलेंगे रेडियस, जो उंगलियों की तरफ जा रही है उसे बोलेंगे हम अलना, तो ये हो जाएगी रेडियस, ये हो जाएगी अलना। तो इसका मतलब हमने कितनी बॉन्ड गिन ली हाफ की, तीन बॉन्ड गिन ली, कौन कौन सी, यहां तो है सबसे बड़ी वाली क्या जाएगी ह्यूमरस, उसके बाद जो अंगूठी की तरफ जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो तो हो जाएगी रेडियस, और जो उंगली की तरफ जा रही है वो जाएगी अलना। तो ये देख ली हमने कितनी देख ली तीन, तो तीन इधर हाथ की कितनी गिन चुके हैं, तीन और तीन छह, ठीक है, दोनों हाथों की मिला के छह गिन चुके। फिर उसके बाद आगे बात करें तो ये रेडियस अलना और ह्यूमरस देख ली, उसके बाद बात करें तो आ जाएगा हमारा ये वाला पोर्शन, तो यहाँ जो ये वाला पोर्शन है ये, ठीक है, तो ये कलाई की हड्डियां हैं, कलाई की, यहाँ आ जाएगा कलाई, ठीक है, कलाई की हड्डियां, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, नाम बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉपर नाम होगा इसका कार्पल्स, तो कार्पल्स में कलाई में कितनी हड्डियां होंगी, एट,
ठीक है, कौन कौन सी होंगी वो मेंशन है, लेकिन इतना डेप्थ में जाना नहीं है। नीड के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि स्कैपोइड हो गया, या ल्यूनेट हो गया, स्कैपुलेट हो गया, ल्यूनेट हो गया, ठीक है, या ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजॉइड हो गया, ये सारी क्या है, ह्यूमेट हो गए, ये सारी आठ हड्डियां हैं किसके अंदर, कार्पल्स के अंदर। लेकिन इतना जानना नहीं, हमें ये याद रखना है कार्पल्स मतलब कलाई के अंदर कितनी हड्डियां होंगी, आठ हड्डियां होंगी कार्पल्स। यदि कलाई के बाद की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, उसके बाद देखें तो ये आ जाएंगी हमारी ये वाली हड्डी, कितनी है, पांच, क्योंकि जितनी उंगलियां हैं अंगूठे एक लगा के टोटल कितनी है, पांच, तो पांच ही होंगी हमारी क्या, मेटाकार्पल्स। ये कार्पल्स, उसके बाद वाली मेटाकार्पल्स कितनी होगी, पांच, क्योंकि हर उंगली और जो हमारा थंब है उसकी तरफ जा रही है, इसका तो पांच ही होंगी, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद आ जाएगी हमारी फ्लैंजेस, ठीक है, मतलब की उंगलियों की, ठीक है। ये किसकी है, ये बात करें तो ये हो जाएंगी हथेली, हथेली की हड्डियां पांच, ठीक है। बात करें उंगलियां, ठीक है, उनके अंदर कितनी होगी, फिंगर्स के अंदर क्यों, इधर बोलेंगे फ्लैंजेस, टेक्निकल भाषा में तो फ्लैंजेस कितनी होंगी, 14। अब ये 14 कैसे होंगी, यदि उंगली की बात करें हम, ये कितनी बार बाइंड हो रही है, एक दो तीन, ठीक है, तो ये क्या हुई, एक दो तीन, ऐसे ये भी एक दो तीन, तीन वजह से बाइंड हो रही है, एक हड्डी ये, एक ये, दो और तीन, मतलब ये वाला पोर्शन एक फिर दो फिर तीन, इसका मतलब क्या हुआ, तीन तीन छह तीन नौ तीन बारह, तो बारह हुई है उंगलियों के अंदर। थंब क्या हुआ, थंब कितनी तरफ से मुड़ पा रहा है, बाइंड कर पा रहा है, एक दो, इसका इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, दो, तो 12 और 2 14, 14 हड्डियां होंगी फ्लैंजेस के अंदर, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो कितनी होगी 14। टोटल यदि काउंट करने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 प्लस 14 फिर उसके बाद 5, तो कितनी हुई 27। 27 एक तरफ और दोनों तरफ की बात करें तो दोनों तरफ कितनी हो जाएगी, 27 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगी हमारी, यहां देखते हैं ये, तो हम यहां वाला पोर्शन तो गिन चुके, कितनी आई थी, एक हाथ में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करा, कितनी आई 6, अब हम काउंट कर चुके 27 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 54, तो दोनों को काउंट किया कितना आ गया 60, तो हम किसके अंदर, हाथ के अंदर 60 काउंट कर चुके, पहला ये ह्यूमरस, उसके बाद जो अंगूठे की तरफ जा रही है रेडियस, ये वाली इधर जो आ रही है, दो बोन है, एक रेडियस, दूसरी उंगली की तरफ जा रही है अन्ना, उसके बाद हमने देखा ये कलाई वाला, तो कलाई में कितनी थी 8, तो 8 थी क्या बोलेंगे इसे, कार्पल्स। उसके बाद यहाँ उंगलियों की तरफ जितनी जा रही है हड्डियों से बोलेंगे मेटाकार्पल्स, मतलब कि हथेली की हड्डियां, वो कितनी थी 5। उसके बाद फ्लैंजेस की उंगलियों की बात करें तो उंगलियों में कितनी हड्डियां थी 14 इधर 14 इधर, ठीक है। टोटल हमने देखा एक हाथ में कितनी आई हमारी, टोटल यदि काउंट करें पहला ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस अल्ला 3, उसके बाद 8, उसके बाद 5, उसके बाद 14, तो 30 हुई, 30 मल्टीप्लाई में 30 कितनी हुई 60 हमने काउंट कर ली किसके, हाथ के अंदर। और उसके बाद बात करें, ये हो गया हमारा पैर, मतलब कि लोअर ग्रिंडल, इस तरीके से तो अपर ग्रिंडल हम देख चुके, लोअर लिम्ब, ठीक है, और अपर लिम्ब हम देख चुके हैं, अपर लिम्ब के अंदर हाथ आएगा, ठीक है। तो लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब के अंदर कितनी होंगी, अगेन जितनी उसके अंदर थी उतनी इसके अंदर होंगी 60, लेकिन कौन कौन सी होंगी वो देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी हड्डी ये फीमर की हड्डी, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो सबसे बड़ी हड्डी ये खोखली हड्डी होती है, ये तो पहली आ गई फीमर, ठीक है। उसके बाद दो हड्डियां ये हैं जो अंगूठे की तरफ जा रही है, ये वाली ये मेन हड्डी, ठीक है, तो ये क्या है, ये अंगूठे की तरफ जा रही है, मतलब टाओ, टाओ बोलते हैं ना पैर के अंगूठे को, तो पैर के अंगूठे की तरफ जा रही है, उसको बोलेंगे टीबिया, तैसे टाओ तैसे टीबिया। और जो इसके लिए सपोर्टिव है छोटी सी हड्डी, ये क्या है, ये है फिबुला, तो टीबिया फिबुला और फीमर, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा होगी ये वाली हड्डी, तो ये क्या होगी हमारी, ये होगी पटेला। यदि बात करें टीबिया किसकी तरफ जा रही है, अंगूठे की तरफ, जो मेन हड्डी है सबसे बड़ी हड्डी है नीचे वाली पोर्शन की, ये सबसे लंबी है, सबसे बाहरी, सबसे वेट में ज्यादा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी, फीमर होगी। उसके नीचे वाली जो मेन सपोर्टिव है वो तो हो जाएगी हमारी टीबिया, टाओ अंगूठी की तरफ जा रही है, जो उंगली की तरफ जा रही है वो जाएगी हमारी फिबुला, तो ये फिबुला ये टीबिया, तो तीन हमने काउंट कर ली, इसमें एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये है पटेला, ठीक है पटेला, तो कितनी होगी 4, एक लेग में 4, दूसरे लेग में भी 4, तो कितनी होगी टोटल 8 बॉन्ड गिर ली हमने, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो हैंड के अंदर देख चुके, ये है पैर वाला पोर्शन, तो जैसे उसमें देखा था हमने हाथ में, ठीक है, तो यहां भी क्या होगा, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, तो इसमें क्या होगा, जैसे वहां पे क्या बोलते थे हाथ के केस में, क्या बोलते कार्पल्स, यहां बोलेंगे हम टार्सल्स। तो ये जहां पे वहां पे 8 थी, यहां पे हो जाएंगे 7, क्योंकि एक हम पटेला काउंट कर चुके, ठीक है, एक सेकेंड, पैर का पोर्शन पूरा,
ये वाला पोर्शन, तो ये क्या आ जाएगा टार्सल्स, ठीक है सेवन होगी क्योंकि एक हम पटेला काउंट कर चुके। उसके बाद ये कितनी होंगी, ये पांच जितनी हाथ में थी, एक दो तीन चार पांच, जैसे हाथ की उंगली और अंगूठे में जा रही थी वही इसी तरीके से यहाँ। लेकिन इसे क्या बोलेंगे हम, इन्हें बोलेंगे मेटाटार्सल्स, कितनी होंगी जैसी हाथ में थी मेटाकार्पल्स पांच। उसके बाद फ्लैंजी, तो फ्लैंजी जितनी हाथ में थी उतनी पैर में होंगी कितनी 14, तो यहां भी काउंट कर लिया 14 प्लस कितना हो गया 5 प्लस क्या हो गया 7, तो 14 प्लस 5 प्लस 7 प्लस जो ऊपर गिन चुके हम फीमर, फिर उसके बाद फीमर के बाद यहां नीचे टीबिया फिबुला और पटेला, तो टोटल कितनी हुई 30 और मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी होगी 60। तो हमने पूरी काउंट कर ली हाथ की भी पैर की भी, ठीक है। यदि बात करें पैरों में कितनी हुई हमारी 60, ठीक है हाथों में कितनी हुई 60, और 6 हमने अलग से गिनी थी, कौन कौन सी, पहली क्लेविकल, ब्यूटी बोन, स्कैपुला और पेल्विक, ठीक है। तो 6 ये हुई और 6 और 120 126, तो टोटल कितनी हुई हमने सबसे पहले 6 गिनी थी, उसके बाद कितनी काउंट करी 60 हाथों की अपर लिम्ब की, फिर लोअर लिम्ब की 60, तो कितनी होगी 126 बोन। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर आ गए, ठीक है। एक बार उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी करी है। अरे देखो हाथ से स्टार्टिंग से बात करते हैं कितनी है टोटल। सबसे पहले देखिए हमने क्रेनियल बोन, तो क्रेनियल बोन कितनी थी हमारी 8, उसके बाद फेशियल बोन कितनी थी 14, ठीक है। 14 के बाद बात करें तो हमने देखी ईयर बोन, तो ईयर बोन के अंदर 3 इधर 3 इधर, ट्रिक क्या थी उसकी मिस, ठीक है। तो 6 ये हो गई, 8 ये हो गई, और उसके बाद फेशियल बोन कितनी होगी 14, एक हाइरोइड बोन, तो टोटल कितनी होगी हमारी, टोटल होगी 29, किसके अंदर, सिर के अंदर, हेड के अंदर। उसके बाद नीचे बात करें वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम की बात करें तो किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर कितना 33 और एडल्ट के अंदर 26, तो 26 वो काउंट कर ली। उसके बाद हमने ये थोरेसिक केस देखा, थोरेसिक केस या फिर से रिब केस बोलेंगे, रिब केस के अंदर बात करें तो ये स्टैंड अप एक होगी, उससे जो बाइंड होगी ऊपर वाली पूरी की पूरी पसलियां वो कितनी होगी टोटल हो जाएंगी काउंट करने के बाद 24, एक स्टैंड अप कितनी हो जाएगी 25, 24 की बात करें तो ऊपर की 7 जो होंगी वो होगी ट्रू बोन, मतलब की रियल बोन, रियल रिब्स बोल देंगे। उसके बाद जो 3 होंगी वो होंगी फाल्स या फिर सूडो रिब। उसके बाद 2 होंगी नीचे की फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रिब सबसे ज्यादा पैकेज के अंदर पाए जाएंगे स्नेक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये वाला पोर्शन 25 हो गया, हमने ये वाला गिन दिया 29। उसके बाद कौन सा बच्चा जो इसके अंदर काउंट होगा वो होगा वर्टिकल कॉलम, ये कितना होगा 26 एडल्ट के अंदर। टोटल काउंट करी कितनी बैठी 80 हुई है मेरी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर, ठीक है। बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा हमारा, पहले सबसे पहले आएगा अपर गेंडर, लोअर गेंडर, अपर लिम, लोअर लिम। तो अपर गेंडर के अंदर क्या क्या आएगा हमारा, पहला क्लेविकल बोन, ठीक है, ब्यूटी बोन, उसके बाद स्कैपुला, तो 4 ये हो गई। उसके बाद नीचे वाला पोर्शन जो लड़कियों में फीमेल्स में बड़ा होगा वो उसे बोलेंगे क्या, पेल्विक, पेल्विक ग्रिम, ठीक है नीचे। तो यदि पेल्विक बोन्स की बात करें तो 2 ये होंगी, तो 4 ये, 2 ये, कितनी होगी 6। उसके बाद हमने क्या देखा, अपर लिम, हाथ वाला पोर्शन गिना, 30 इधर आए, पहले सबसे बड़ी ह्यूमरस, उसके बाद जो अंगूठे की तरफ जा रही है वो क्या देखिए रेडियस, दूसरी हो जाएगी अल्ना, फिर उसके बाद नीचे देखा कार्पस, कार्पस में कितनी होंगी हमारी, कार्पस के अंदर यदि काउंट की बात करें तो कार्पस के अंदर कितनी हो जाएंगी हमारी, ये हो जाएंगी 8, फिर मेटाकार्पस 5, उसके बाद फिलिंजिस कितनी होगी 14, तो टोटल कितनी होगी 30 मल्टीप्लाई 2 60 होगी। उसके बाद पैर की बात करें तो पैर में क्या होंगी, लोअर लिम बोलेंगे, तो लोअर लिम की बात करें तो सबसे ऊपरी क्या जाएगी हमारी, ये सबसे ऊपर वाला क्या जाएगा, ये सबसे बड़ी फीमर, ठीक है। फीमर के बाद एक अंगूठी की तरफ जा रही है, अंगूठी की तरफ ये जो जा रही है ये है टीबिया, ये है फिबुला, तो 3 ये हो गई, एक ये है मेरा पटेला, ये पटेला, ये फीमर, उसके बाद ये क्या हो जाएगी टीबिया, ये हो जाएगी फिबुला, तो ये चारों काउंट करके कितनी हो गई हमारी 4, ठीक है। तो ये कितनी हुई 4। उसके बाद हमने ये वाला पोर्शन देखा टार्सल, तो टार्सल कितनी थी हमारी 7। उसके बाद मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल कितनी थी हमारी, ये थी हमारी 5। और उसके बाद हमने देखी फ्लैंजेस, फ्लैंजेस, तो फ्लैंजेस कितनी थी 14। तो इन सब सारे को काउंट करो, ठीक है, और प्लस ये 4 काउंट करो तो कितनी होगी हमारी, मतलब हो गया 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी होगी 60, तो 60 नीचे, ठीक है, ये वाला पोर्शन 60। फिर उसके बाद हम यहां देख चुके, ठीक है, ये 2, ये 2, 3, मतलब ये ह्यूमरस हो गया, ये हो गया रेडियस, ये हो गया अल्ना, उसके बाद कार्पस, फिर मेटाकार्पस, फिर फ्लैंजिस, ठीक है। तो मतलब यदि कार्पस की बात करें तो कितनी होगी 8, मेटाकार्पस की बात करें तो कितनी होगी 5, यदि फ्लैंजिस की बात करें तो कितनी होगी 14, और यदि इसकी बात करें तो एक ये हो गई या 2 ये हो गई 3, तो कितनी होगी टोटल ये भी 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी होगी 60, फिर 60 ये हो गई प्लस प्लस 6 हमने वो अलग से कितनी 2 2 2, ये अपर गेंडर 4 और नीचे की लोअर गेंडर, टोटल कितनी होगी 126। अब हमने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और जो हमारा नीचे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम मतलब कि अक्षीय कंकाल तंत्र और हमारा उपांगी कंकाल तंत्र सारी की सारी बोन्स उसके अंदर भी काउंट कर ली है, टोटल बोन्स उसी के अंदर है। एक बार और देख लेते हैं ताकि बिल्कुल पूरी तरीके से याद ही हो जाए। देखो
सबसे पहले स्टार्टिंग करें तो ये वाला पोर्शन, इसके अंदर टोटल कितनी होंगी 28 प्लस एक हाईवर्ड बोन 29। ठीक है, यदि बात करें हम ये वाला पोर्शन थोरेसिक केज की बात करें तो इसके अंदर कितनी होंगी, टोटल होंगी हमारी 25। इसका है ना 12 इधर 12 इधर, तो टोटल हो जाएंगे 25। उसके बाद इस वर्टिकल कॉलम की बात करें तो एडल्ट के अंदर कितनी होंगी 26। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर यही काउंट होंगी बस। तो ये जैसे ही मैंने ये वाला पूरा पोर्शन काउंट किया तो ये बैठी हमारी 80। तो ये हो गई एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, मतलब की अक्षीय कंकाल तंत्र। उसके बाद जैसे ही हम अगले पे मूव किए तो मूव करते ही हमें सबसे पहला पोर्शन आया ये वाला पोर्शन है ये। ठीक है, फिर ये क्लेविकल बोन और फिर ये स्कैपुला, तो कितनी होगी 4। इसे बोलेंगे हम शोल्डर गिर्डर, शोल्डर गिर्डर। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें ये है लोअर गिर्डर या पेल्विक गिर्डर, तो पेल्विक गिर्डर कितनी होंगी 2, तो कितनी होगी 4 और 2 6, तो हम काउंट कर चुके हैं। अब बचा हमारा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बात करें तो ये वाला पोर्शन है अपर लिम्ब, कितनी गिनी हमने अभी 30 इधर और 30 इधर, तो ये कितनी होगी 60 अपर लिम्ब में होगी। फिर है ये लोअर लिम्ब, तो 30 इधर गिनी हमने अभी मल्टीप्लाई बाय 2 60 ये होगी, तो 60 फिर ये भी क्या होंगी मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 60 और प्लस ये वाली 6, तो क्या आ जाएंगे ये हो जाएगी टोटल 126। अब 2-3 बार रिवीजन भी हो गया इसका और हम इसके अंदर फिर अगली, अब ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया एक्सोस्केलेटन सिस्टम भी, एंडोस्केलेटन सिस्टम भी, और हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम भी, और हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम भी। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉइंट। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक ही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।